आप बोलिए, और जब आप सामने वाले बोले उनको भी वक्त दीजिए, कोई नाजेबा अल्फाज और अदब के दायरे में रखा। हाँ, अदबी एहतराम के दायरे में जो है बोलते हैं, पार्टी में काली वर्दी का जो सिलसिला कायम किया ना मुलाजरे में, ये जलालुद्दीन ने किया। यही अदब अदब के दायरे में रहकर बात करेंगे, कोई नाजिबा अल्फाज कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हबीबुल्लाह खादरी अजमाली। अच्छा जी। ये भी कह रहा हूँ, देखिए अगर कोई गाली गलौज करेंगे, नाजेबा अल्फाज बदतमीजी करेंगे, उनका शिकस्त का ऐलान किया जाएगा। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए अभी मेरा मौलाना साहब से बात कर लीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम बार बार चैलेंज कर रहे थे तुम्हारे इलाके के हमारे सुन्नी भाई को, तुम बार बार चैलेंज कर रहे थे, फिर हमारे सुन्नी भाई ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद तुम एक घंटा बहानेबाजी करे, हमने बहुत कोशिश किया कि हमने तमने मुनाजरा की शराइत तय करने के लिए हम आए हैं और तारीख तय करने के लिए आए हैं, तुम तारीख बताओ शराइत बताओ। तब तुम लोग, तुम्हारे साथ में और दो तीन मौलवी थे, सब ने कहा कि मुनाजरा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मुनाजरा करने से कोई आला हजरत को हम भी ताजिम करते हैं, कदर करते हैं, बहुत सारी बातें तुमने कहा। और मैं आने के बाद, तुम्हारे इलाके से मैं आते ही तुमको इतना शौक चढ़ गया मुनाजरा करने का, रोज फोन करते हो और असगरी का तुमको कांटेक्ट हुआ। असगरी को तुम्हारा नंबर देखो, यही बात है। बदतमीजी क्यों किया उसने? तुमने बोला था कि बदतमीजी भी नहीं करेगा, बदतमीजी ना करेंगे आप। पहले तौबा करना, नाम तौबा करना बोलो उसको। नहीं, आप असगरी बेगम का नाम नहीं लिया, किसने किया है? दोनों असगरी बेगम नहीं कहेंगे, ठीक है? चलो तौबा करना, रुजू करना, मुझसे बात नहीं करेंगे आगे, बिल्कुल बात नहीं करने का। बदतमीजी कोलकाता पसंद है, कौन मुनाजरा से भागता है? तुमको जियालुद्दीन पसंद चलेगा? जियालुद्दीन पता तुमको पसंद है? अजगरी तेरा नाम, जियालुद्दीन पसंद है, चंदा चोर पसंद है? मुफ्ती साहब खामोश रहे, मैं बोलता हूँ, बात को जारी कीजिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जियालुद्दीन को बोलो, जियालुद्दीन तौबा करे पहले। इन खबीसों की औकात नहीं है, बदतमीजी क्यों किया? जब तेरा मुफ्ती का राय बदतमीजी नहीं करने का, तूने क्यों ऐसे तुमने इस्तेमाल किया? बारी कैसे मुकालम कर दूं? गाली दे रहेगा तू अपनी बारे में? गाली दे रहेगा चंदा चोर जियालुद्दीन अपनी बारे में गाली दे रहा है? मर्दों खबीस कहेंगे अभी जहन्नमी, तेरा मुफ्ती कह रहा है कि बदतमीजी नहीं करने का, और हरामखोर तू बदतमीजी कर रहा है, जहन्नमी खारिज जियालु चंदा चोर है साला, पूरा 10 मिनट बात करेगा गाली दे रहेगा हरामखोर जहन्नमी खारिज कुत्ता, ये तेरा दिन धर्म है, हैं? जब उसने, जब आपने फोन लगाया उसको मुनाजरे की तारीख तय करने के लिए, तो फिर पहले की बात उसने क्यों खोला मर्दूद? हैं? ये अपने मुफ्ती की बात नहीं मानता है, हरामखोर अपने मुजद्दिद के रबीश पे चढ़कर के फहस गई बदकरामी करता है, जहन्नम में खारिज कुत्ता जहाल होती है। हबीबुल्ला कादरी अजमाली नाम उसका मौलवी है, उसने तय कर दिया कि कोई बदतमीजी नहीं करेगा, यानी तुम्हारे यहाँ बदतमीज तुम्हारा धर्म है? हरामखोर कहीं के भाग गया। हाँ, भागेगा ना, भागेगा वो, मेरी आवाज सुने ना उसने, क्योंकि बदतमीजी किए बगैर बात ही नहीं कर सकता, कि बदतमीजी उसके धर्म का खासा है, तमाम फर्ज से हम फर्ज है बदतमीजी फहसगुई करना, ये हरामखोरी के औकात है बात करेगा हमारे से? हैं? आराम बताओ, कितना झूठ बोल लिया है हरियतगर भाई जी। मैंने अहमद रजा को अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने अहमद रजा को आला हजरत कभी कहा भी नहीं। हम मानते हैं, अरे मेरे बारे में कितना झूठ बोला था, बाद में खुद इकरार किया कि नहीं उस तुम्हारा सदर नहीं था, कोई और था। मेरे बारे में कितना झूठ बोला था, फिर बाद में तस्लीम किया कि हां, मैदान में बैठा और शर्तें तय कर दिया, हम मुनाजरा नहीं करेंगे, मुनाजरा करेंगे बाद में, पहले शर्तें तय कर ले। इस खबीस को दूसरे नंबर से आप फोन करो और उसको बोलो, खबीस को, जब तूने चैलेंज किया मुनाजरा करने के लिए, आ जा तू 15 दिन के बाद, तारीख तय कर ले वहां पे, और बता दे तारीख को जाना है यहाँ तक, बस इस खबीस को जो है नंगा करके भेजो हराम खोर को। यहूदी है ये मुसलमान, ना बिरल भी है ना ये मुसलमान है, यहूदी है, यहूदी की हम तो लड़े की शान में भी गुस्ताखी की। हाँ, जहाँ कहा ना उसने कि उनका कौल मोतबर नहीं है, फिर के फिर के पीछे नहीं चलना है, इस बार मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने उस पर फतवा लगाया था। हाँ, ये हराम खोर औकात बात करने की, बदतमीजी किए बगैर बात ही नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। जी, मैं मलिक बोल रहा हूँ। जी, मलिक बोल रहा हूँ। मलिक कहाँ से बोल रहे हो? जी, हबीबुल्लाह कादरी अजमाली साहब। जी,
आपने शरायत तय की और बदतमीजी उसने किया, फोन काट के भागा आपका तो वो तैयबा बेगम भी फोन काट के भागी हो? नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, फोन उसने काटा। अभी 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 मुझसे बात हुई ना, तैयबा बेगम भी मैं आप अपने देखे बदतमीजी ना करें। कौन असगरी बेगम बोल रहे हैं? बदतमीजी ना करें आप लोगों की। अच्छा भागा क्यों? असगरी बेगम बोल रहे हैं? अली 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 असगर क्यों नहीं, क्यों नहीं बैठी तुमने? मेरी बात सुनो, मुनाजरे मुनाजरे में नहीं बैठी? कौन सा मुनाजरे? क्या हुआ क्या हुआ? हाँ सुने, मेरी बात सुनो, लंगा उठ के क्यों भागी? देखे बदतमीजी ना करे आप लोग, मौलवी हैं मुफ्ती अपने धर्म, सर बदतमीजी फहस गई क्यों? आपकी तरबियत कैसे होती है? आपकी वालिदा तरबियत नहीं करती आपकी? इतनी बड़ी बदतमीज क्यों आप लोग, इतनी बड़ी बदतमीज अपने मुजद्दिद की तरह? क्या आप लोगों के ऊपर क्या आपके मुजद्दिद की रूह सवार हो चुकी है? भाग गया जी, भाग गया। मुफ्ती हबीबुल्ला अजमाली साहब कितने बड़े खबीस लोग हैं, अपने मुनाजिर को लेकर आया है और इसने शरायत तय करी कि भाई कोई बदतमीजी फहस गए बदकलामी नहीं करे बदअखलाकी नहीं करेगा, हर आदमी अपने बारे में बोलेगा। जी हाँ आलूती जैसे ही आया बस बदतमीज शुरू कर दी, तो मैं बोला बदतमीज उसको रुजू कराओ, तो उसने कहा कि नहीं अब दोबारा नहीं करेगा, मैं पहले रुजू कराओ अपने बारे में बोलना, मतलब उसके बारे में बोलने दूंगा पूरी दो मिनट तीन मिनट बदतमीजी करेगा वो है? कितने बड़े खबीस जबान देखो इसकी, भागा फोन काट के हराम खोर जी। इसका नंबर मेरे में सेव है पहले से। हेलो ताहिर रजा बोल रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ, दुकान में दुकान पे चल जा। मैं बोल रहा हूँ क्या तुम अपने मुजद्दिद के अकेले पे तुम्हारा तुम हो? चल भागोड़े 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 भाग गया फोन काट के चल। अरे नहीं भाग रहा है, भाग मत, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा मुजद्दिद के अकेले कुछ दिन भाग गया काट के भागे भागोड़े। अरे मेरी बात सुन चल चल भाग रहा है। शरायत के तहत गुफ्तगू करना भागना नहीं हुआ, शरायत नहीं थी, जो बीच में बोलेगा खलदबस करेगा तो सामने वाले को फोन काटने का हक है, ठीक है? तो ये भागना नहीं हुआ, शरायत में तय थी ये बात। जी गया वो फोन काट भाग गया। अरे इनमें जलजला आया हुआ है। हेलो जमशेद रजा कादरी बोल रहे हैं? अभी जनाब मैं थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ, शाम को इशाबाद बात करते हैं। हॉस्पिटल में रहेगा तू, पिटाई ऐसी पड़ी है लेकिन तेरा ताहिरा भागी अभी, जहालूती भागा फोन काट के अभी। तो भागा क्यों था? भाग रहे हैं लेकिन क्यों भागा था? शरायत में क्या बात थी? नहीं तूने उसमें शरायत में ये रखा था कि हवाला भेजना पड़ेगा, तो फिर जो मुसन्निफ का नाम पूछना और किताब का नाम पूछना बगैर हवाला भेजे दिवाली मनाई मनाया उसका सवाल तुझसे पूछा तू फोन काट के भाग गया। शरायत कर लेंगे ना फिर बात करेंगे, बस करेगा आदमी फोन काटेगा सामने में ये रखा था मामला। हाँ बिल्कुल हवाला भेजना पड़ेगा, दे रही थी खुदा की कसम का। मैं जब जो पड़ेगा हवाला बोलेगा मरदूत से हवाला बोला था, हवाला भी शरायत नहीं लेकिन तेरे गाली देने की शरायत में गाली देने की शरायत होती है तेरी और जमशेद तेरी गाली देने की शरायत होती है क्या? पर्सनल में जितने तेरी तो गाली देने की शरारत होती है? पूरी जिंदगी भाग कर मरदूत कहीं का अभी बात कर। अबे दिन का शेर है, रात की रानी नहीं वो, दिन का शेर है, तुमने रात की रानी हो क्या? तेरे बाप तेरे बाप, तुझे मैं 7 साल के बाप की रानी है, रात की रानी है, दिन के शेर से बात कर, दिन के शेर से बात कर, दिन के शेर से बात कर, अच्छे से बात करने की, दिन के शेर से बात कर, दिन के शेर से, दिन के शेर से बात कर, रात की रानी मत बन, रात की रानी मत बन। अरे हम दिन के शेर है, चल रात की रानी तो
सराय तक, इसलिए तो रात को बोल रहा है, रात को तू बोल रहा है, हम दिन को बोल रहे हैं। बता तूने सराय में ये बोला था, हवाला भेजना पड़ेगा तो सराय तक मुनाजरा करेगा कि भागेगा। तू मुझे मुनाजिर समझता है? तू मुनाजिर नहीं, गालीबाज। तू मुझसे मुनाजिर समझता है? तू गालीबाज क्या बोला उसको? मैंने बोला तेरा मदद ने बोला निजामी को, तेरा मदद ने बोला है अख्तर निजामी को, तूने मदद ने बोला है, तेरा मदद ने बोला है, तेरा मदद ने बोला है। हवाला दूं मैं क्यों बोलूं किसी को गाली दूं? मैं आज तक किसी को गाली नहीं दिया हूं। मैं जो भी बताता हूं तुम्हारे घर की किताब के उसूल से बताता हूं कि फतवा रजिया का वसूल है, तेरा मुझे दिल के लिखा है कि जिसे तुम देखो बेहयाई फहजगोई करे समझ लो उसके असल में खता है। असल में खता से मुराद क्या है? जो जिस नुत्फे से पैदा हुआ है वो गलत नुत्फे से, किसी और को नुत्फे से, किसी और को नुत्फे से पैदा हो वो क्या होती है? औरत है, पाकबाज होती है, पारसा होती है, नेक होती है, फिर क्या होती है? तवाइफ होगी, नहीं होगी। तो मैं जो बोलता हूँ तुम्हारे किताब के वसूल से, तुम्हारे मुजद के वसूल से मैंने साबित किया। अख्तर अख्तर जो है कि अख्तर निजामी क्या है? चला मुझ पर इल्जाम करते हो, अपने मुजद्दिद का फतवा हम पर लागू करते हो, मर्दूद कहेंगे। भाग गया जी, ये भागा सादिक।